यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th है, क्या क्वेश्चन है वो देखिए। मैं फिर आपको बोलूंगा कि आप ये बात बार बार ध्यान रखिएगा, इसको जितना लिखेंगे उतना अच्छा होगा। अब देखिए क्या है, रिशु स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एक्स। पहले ये पॉइंट ले लीजिए एक्स, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है एक्स। अब आपको इस पॉइंट से क्या बोला गया पढ़िए, रिशु स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, वॉक 250 मीटर, ईस्ट की तरफ 250 मीटर आप गए, ये आप 250 मीटर ईस्ट की तरफ गए, एंड पॉइंट रीचेस द पॉइंट पी, आप पी पॉइंट पर आ गए। अगेन ही टर्न टूवर्ड साउथ, अब इस पॉइंट से साउथ देखना है तो कभी भी याद रखिए ऐसा बना लिया करिए, ये साउथ की तरफ टर्न हुआ, टर्न साउथ एंड वॉक 50 मीटर, अब क्यू पे आप आ गए। अगेन ही टर्न टूवर्ड ईस्ट, फिर सोचिए इस डायरेक्शन पे आके ईस्ट कहां होगा, तो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट की डायरेक्शन में गए, ईस्ट एंड वॉक 250 मीटर, फिर से कितना वॉक किया, 250 मीटर, राइट। ये डिस्टेंस कम ज्यादा बना देता हूं, बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए कंफ्यूज मत होना। 250 मीटर रीचेस द पॉइंट आर, अब ये पॉइंट आप आर पर आ गए। ही अगेन टर्न साउथ, फिर से आपने साउथ पे टर्न लिया, ये साउथ पे टर्न लिया इस पॉइंट से। ही टर्न ही, देखिए यहां पर आप डायरेक्शन बनाएंगे ना कभी भी, तो साउथ एंड वॉक 50 मीटर और एस पर आप आ गए। व्हाट इज द सोर्सेज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स, सो एक्स और एस के बीच का आपको सबसे कम डिस्टेंस बताना है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, हो सकता है ये लाइन इसको टच करती जा रही नहीं जा रही, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक्स से एक्स का बताना, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ले लीजिए और ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये बन गया राइट ट्राइंगल, राइट। ये डिस्टेंस कितना, ये 50 है और ये 50 और ये 50 है, तो ये हो गया 100, ये 250 और ये 250, तो ये हो गया 500, यानी 5 × 100 और ये हो गया 100। बस अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 बाहर आ गया, रूट के अंदर 26, यानी 5 point something, राइट। दिस इज द राइट वे, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक्स यहां पर था, पहले वो ईस्ट की तरफ गया 250 मीटर, देन साउथ की तरफ गया 50 मीटर, देन अगेन ईस्ट की तरफ गया 250 मीटर, देन अगेन साउथ की तरफ गया 50 मीटर, तो आपको एक्स और एस का डिस्टेंस बताना था। आपने इस लाइन को ज्वाइन किया, ये टच करते हुए जाए जरूरी नहीं है, ये तो मैंने रफली लाइन खींची हुई है, पर ये पता है मुझे कि ये डिस्टेंस 50 और 50 मिलके 100 और ये डिस्टेंस 250 और 250 मिलके 500, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस मिनिमम बता सकता था, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए इज द साउथ ऑफ आर, ए जो है वो आर के साउथ में है, सपोज ये आर है तो आर का साउथ यहां होगा, दिस इज ए, राइट। ए इज साउथ ऑफ आर एंड टू द बेस्ट ऑफ टी, टी के बेस्ट में, देखिए टी ये है तो टी का वेस्ट कहां होगा, देखिए ये टी है, सपोज ये टी है तो टी का वेस्ट ये होगा, तो ए यहां है, आर सपोज यहां है तो आर के साउथ में, ऐसा आपको दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा, राइट। ए इज द साउथ ऑफ आर एंड टू द बेस्ट ऑफ टी, इफ पी इज द साउथ ऑफ ए, पी जो है वो ए के साउथ में, लाइक दिस, ये हो गया पी, देन विच डायरेक्शन इज, देखिए अब उसके बाद बोला है इफ पी इज द साउथ ऑफ ए देन इन विच डायरेक्शन इज इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो पी की डायरेक्शन बतानी है टी के रिस्पेक्ट में, यानी टी यहां पर है तो टी पे रिस्पेक्ट में बतानी है, तो ये होगी डायरेक्शन लाइक दिस, तो देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो क्या डायरेक्शन हो गई टी के रिस्पेक्ट में, अगर पी की डायरेक्शन देखें तो साउथ वेस्ट। आप कहीं पर भी ये लाइन बनाएंगे आपसे कभी भी आंसर में मिस्टेक नहीं होगी, आर जो है ए जो है वो आर के साउथ में है, पी जो है वो ए के साउथ में है, और टी जो है ए जो है वो टी के बेस्ट में है, तो टी की पी के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बतानी है, टी की डायरेक्शन, तो आप टी की को पी के डायरेक्शन में बताना, तो क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे दीप्ति वॉज कमिंग फ्रॉम कॉलेज, दीप्ति कॉलेज से बोला गया जा रही, हर ब्रदर रमेश हु वॉज कमिंग टू वर्ड हर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है, सपोज ये कॉलेज है,
तो दीप्ति कॉलेज से जा रही है, रमेश कॉलेज की तरफ आ रहा है, यानी अपोजिट फेस है, ये दीप्ति ये रमेश। अब देखिए क्या बोला, वन डे दीप्ति वॉज कमिंग फ्रॉम कॉलेज, हर ब्रदर रमेश हु वॉज कमिंग टूवर्ड हर अपोजिट डायरेक्शन सॉ द दीप्ति शेडो फॉल नाइदर टू हिज राइट नाइदर टू हिज लेफ्ट नॉट टू द बैक ऑफ दीप्ति फ्रॉम विच डायरेक्शन वॉज रमेश कमिंग। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि दीप्ति का जो शेडो है ना वो बैक में है ना वो लेफ्ट है ना राइट है, इसका मतलब फ्रंट में है, तो जो सन की रेज है वो पीछे से आ रही होगी, बैक से आ रही होगी। अब इसमें कुछ टाइमिंग को लेके क्लियरिटी नहीं है कि क्योंकि सनसेट वाला टाइम होगा तो वेस्ट की तरफ होगा, सनराइज वाला टाइम होगा तो ईस्ट की तरफ, इसलिए इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए इसका आंसर कान से बोलेंगे आप, क्योंकि आप यहां पर डायरेक्शन को लेके या टाइमिंग को लेके कंफ्यूजन है। जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम फिर ऐसे आंसर देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें जैसे टाइम दिया आफ्टरनून इवनिंग मॉर्निंग, तो आपको क्लियर रहता है कि सन कहां पर है और उसकी डायरेक्शन से शेडो बनता है। आपको भी पता है कि सन की डायरेक्शन चेंज होती है, उसी के हिसाब से हमारा शेडो बनता है, राइट लेफ्ट फ्रंट, यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है डायरेक्शन का इसलिए और टाइमिंग का, इसलिए हम इसका आंसर बोलेंगे कांट से। राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, आर इज टू द बेस्ट ऑफ डी, आर जो है वो डी के बेस्ट में है, ओके, विच इज टू द बेस्ट ऑफ एल, और जो एल के साथ में, ठीक है, एल के बेस्ट में डी है। इफ डी लाई बिटवीन जे एंड एम, जी जो है वो जे और एम के बीच में लाई कर रहा है, कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, जे एंड एम, देन आर इज इन द डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू के इफ जे एंड एम आर स्ट्रेट लाइन। अब एक बात बताइए, इसमें के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो डेटा इनकम्प्लीट इज अ राइट आंसर, क्योंकि के की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, टू वुमेन एंड टू मैन आर प्लेइंग कार्ड एंड आर सिटेड एट नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट टेबल। मतलब अगर हम देखें तो चारों लोगों की जो टेबल है वो कुछ ऐसी होगी, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, राइट दिस, राइट, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहा है, ये साउथ की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, ये ईस्ट की डायरेक्शन में, ये वेस्ट की डायरेक्शन में, ऐसा टेबल है, ये चार लोग गेम खेल रहे हैं, ये चार चेयर होंगी यहां पर, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोचना है। राइट, सुनिए क्वेश्चन, टू वुमेन एंड टू मैन आर प्लेइंग कार्ड आर सिटेड एट नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट और टू अ टेबल, नो लेडी इज फेसिंग ईस्ट। मतलब किसी भी लेडी का फेस, किसी भी लेडी का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ नहीं होगा। अब याद रखिएगा यहां पर ये ईस्ट फेस है, ये नॉर्थ फेस है, ये साउथ फेस है और ये वेस्ट है, मतलब लेडीज कोई भी वुमेन ईस्ट की तरफ नहीं देख रही, एक बात कंफर्म है, ओके, नो लेडीज फेसिंग ईस्ट, पर्सन सिटिंग अपोजिट ईच अदर एंड आर नॉट इन द सेम सेक्स, सेम मतलब अपोजिट में जो बैठेंगे वो सेम सेक्स वाले नहीं बैठेंगे, ये बोला हुआ है, अपोजिट ईच अदर आर नॉट इन द सेम सेक्स, वन मैन इज फेसिंग साउथ, एक मैन जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ये अगर एक मैन साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो इसका मतलब एक वुमेन जो होगी वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही होगी। राइट, ये साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। अब कोई भी वुमेन को आपको पता है ईस्ट की तरफ नहीं होना, इसका मतलब एक वुमेन यहां होगी जो कि ईस्ट की तरफ फेस कर रही, वो सॉरी वेस्ट की तरफ फेस कर रही होगी, एक मैन यहां होगा जो कि ईस्ट की तरफ फेस कर रहा होगा। ये आपको देखिए सब मिल गया, तो यहां पर हो गया मेन ये वुमेन, वन टू वन टू। अब क्वेश्चन सुनिए क्या बोला है, विच डायरेक्शन आर द लेडीज फेसिंग, कौन कौन सी डायरेक्शन में लेडीज फेस करेंगी, तो एक देखिए कौन कौन सी करेंगी, तो एक डायरेक्शन है वुमेन का नॉर्थ और एक डायरेक्शन है वुमेन का नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। राइट, एक वुमेन नॉर्थ की तरफ फेस कर रही होगी और एक वुमेन वेस्ट की तरफ फेस कर रही होगी। क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दो क्लियरिटी थी कि वुमेन जो है ईस्ट की तरफ फेस नहीं कर रही, वन मैन फेसिंग टू साउथ, एक मैन साउथ की तरफ फेस कर रहा है और अपोजिट में सेम सेक्स वाले लोगों को नहीं बिठाना है। तो जैसे ही एक मैन का पता चला, एक वुमेन मिल गया, अब एक वुमेन यहां पर नहीं फेस कर सकती ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया वेस्ट की तरफ, तो मैन का ईस्ट की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने आप बनने लगेगा, नोट कर लीजिए।